दरवाजा बंद कर दीजिए, लाइट थोड़ा कम करो, लग रहे यार कम कर लो बेटा, कोई जरूरत नहीं होती इतनी। बाउंस करो, ऊपर कर दो, ऊपर बाउंस करो, अरे ऊपर कर दो बाउंस करो, और इतनी लाइट की जरूरत भी नहीं होती आजकल, कहाँ जरूरत है। ठीक है, बाउंस करो ऊपर सीलिंग पर, आप भी वही चीज। अच्छा दरवाजा थोड़ा आप लोग दरवाजा बंद रखो भैया, यानी किसी को बोल के रखिए, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बोल के रखिए। आज मुझे बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे गुलजार साहब, विष्णु बुट रहा है और सब बच्चों के साथ इतनी दिल से इतनी खूबसूरत बातें की कि आज बच्चों को पोएम सुनाना और पोएट मिलाना, पोएट से मिलाने बहुत फ़र्क है। आज बच्चों ने समझा कि गुलजार साहब क्या हैं, इंसान के नाते, पोएट के नाते, फिल्म मेकर के नाते, फिल्म राइटर के नाते, और बहुत सीखने को बातें मिली उनको। हम बहुत शुक्रिया गुजार हैं गुलजार साहब के कि, और हम चाहते हैं कि वो आते रहें। और आज इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स पोएट क्लब का भी इनॉग्रेशन किया जिसका नाम रखा गया कच्ची कलम सोसाइटी। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपने एस्पिरेशन से पोइम लिखेंगे और कुछ पोइम जो हैं कभी कभी गुलजार साहब के साथ भी लेके जाएंगे कुछ करेक्शंस के लिए, कुछ सलाह के लिए। तो मैं आपके इस योगदान के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलजार साहब जी। शुक्रिया, मैं मशहूर हूँ बोल के कि मुझे मौका मिला इस जनरेशन के शायरों के साथ, इस नई जनरेशन के साथ, नई पौध की जनरेशन, नए शायर ये चले हैं आगे। तो मैंने जैसे वहाँ पे कहा भी आपको कि भाई आपको ज़रूरत होगी मेरी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जड़ों में शामिल हूँ आपकी, लेकिन मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं ऊपर की शाखों पे खिलना चाहता हूँ अभी भी। तो कौन कोई सिखाता नहीं, लेकिन जो सीख जाए तो शायद इन स्टूडेंट्स को और विद्यार्थियों को नहीं मालूम कि मैं उनसे कितना सीख के चला जा रहा हूँ। सीख के निकल गया यहाँ से, उन्हें पता भी नहीं चला कि हम कितना सीख गए कि इस जनरेशन के साथ इनकी वाइब्स क्या हैं और इनके हाउ डू दे रिएक्ट टू पोइट्री एंड हाउ डू दे एक्सप्रेस इन पोइट्री। और ये कि ये कच्ची कलम से ये एक नाम बड़ा खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये नाम जो आपने रखा। और एक और चीज़ है कि मिट्टी कच्ची रहे तो वो मुड़ती भी रहती है ना, उसे मोल्ड किया जा सकता है। कलम कच्ची होगी तो उतनी उसमें लचक भी होगी, और उसे पकने ना दो, जो पकनी है चीज़ वो आपकी नज़में हैं वो पकेंगी, उन्हें पकने दो। बहुत अच्छा। और ये इसको कच्ची कलम इसलिए बहुत खूबसूरत लगा, और इसको कच्चा ही ऐसे ही रहे ताकि ये हमेशा उसी लचक में रहे, और जो नज़में निकलती रहेंगी वो धीरे धीरे पकती रहेंगी, आपकी उम्र के साथ पकती हैं। और मैं तो अब तक अपनी नज़मों को पकाने में बहुत वक्त लेता हूँ,
कई बार 2-3 महीने तो मामूली बात है, कई बार तो ये कि छपने के लिए जब जाते हैं तो 1-1 साल के बाद जाते हैं, क्योंकि वाकई फौरन के फौरन वो लम्हे उसी लम्हे पे कह देने वाली बात नहीं होती। कह के आप रख दीजिए और फिर पता चलता है कि आपका मतलब वही जो आपने सोचा था वही आया या नहीं आया। कोई नज़्म एक्सीडेंटल नहीं होती, आप जो कहना चाहते हैं वही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं देखिए मैं नज़्म कह रहा था और कहते कहते ये कुछ क्या बन गई, तो क्या बन गई है तो मतलब आप कहीं ना कहीं फेल हुए, आप अपनी बात कह नहीं पाए जो नज़्म में बन गई अल्फाज में तो कह दी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो शुरू देखी शुरू की थी लेकिन साहब ये नज़्म में फिर ये बनती हुई चली, इसमें से एक और बात निकल आई तो मैंने वो बना ली और ये देखिए अब इतनी लंबी नज़्म। तो मेरा ख्याल है वहाँ दैट इज द फेलियर ऑफ अ पोएट, द पोएम हैज़ टू बी एग्जैक्टली वॉट यू वर ट्राइंग टू राइट, जो आप कहना चाहते थे आपकी नज़्म को वही कहना है, अगर वो नहीं कह रहे तो उसे दोबारा कहिए, उसे डिसमेंटल कीजिए फिर कहिए, उसे डिसमेंटल कीजिए फिर कहिए, और वो धीरे 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 पकती है कुम्हार के कुल्हड़ की तरह और धीरे धीरे पकती है ये शाख पे लगे फल की तरह। ये ज़रूरी है, ये होते रहना है। नज़्म इतना ज़्यादा अच्छा लगता है या लिरिक्स? तो प्रोफेशन है, इट्स अ कमीशनड वर्क। नज़्म इज़ माई स्टेटमेंट टू लाइफ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ या जो मैंने एक्वायर किया है ज़िंदगी से, वो दैट्स माई स्टेटमेंट। फिल्म डिपेंड्स, इट्स मतलब फिल्म तो एक जॉब, एक काम मुझे दिया गया है कि आप कितनी परफेक्शन के साथ इस सिचुएशन पर इस कहानी की इस किरदार के लिए आप लिख सकते हैं या नहीं, और वो आपकी परफेक्शन है कि उसके ऊपर अपनी जितनी मेहनत करें कि उसमें आप अपना अंदाज उस कैरेक्टर का बना दीजिए या उस कैरेक्टर के अंदाज से ऐसे अपनी आप नई बात कह लीजिए कि ये उस पर मोहर रह जाए। तो जब आपने लिखा मोरा गोरा रंग ले ले और शाम रंग दे दी, तो इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी डायरेक्टर ने? सिचुएशन बता दी गई थी, कहानी बता दी गई थी, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये लड़की अपने पिता से रोज़ शाम को वैष्णव कविता सुना करती है, मोहल्ले वाले आसपास के लोग भी आते हैं बैठते हैं और वैद्य जी, वैद्य हैं उनके पिताजी, और वो वैष्णव कविता सुनाया करते हैं। तो जाहिर है कि जब ये लड़की अगर गाएगी तो वो तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तो नहीं हो सकता ना, फिर तो वो वैष्णव कविता ही की इमेजरी आएगी। तो वो मेरे लिए ज़रूरी था कि इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर ये है और इस सिचुएशन में जो भी इमेजरी आएगी वो वैष्णव कविता से आएगी, तो ये सीखना ज़रूरी होता है, तो वो किया गया था उसमें। इसलिए मोरा गोरा रंग ले ले मोहि श्याम रंग दे दे, वो इसलिए आता है। और सवाल कुछ आपके? सर कुछ बच्चों ने आपसे सवाल जब आप भी पूछे तो क्या कुछ आपने टिप्स दी कि इस तरह से फ्यूचर को अपने? मैं जी बस माइक को हाजिर नाजिर जान के जो सच था वही कहा और कुछ नहीं कहा। जो सवाल थे उन्हीं के जवाब दिए। गुलजार साहब जी और सुभाष जी, पूजा फ्रॉम न्यूज स्टेशन चैनल। हम लोग फिल्म्स बनाते हैं उसमें कविता होती है, पोइम्स, गाने जो भी होते हैं पोर्ट्रेट करते हैं थिएटर्स में। कई सारे शहरों में, छोटे शहरों में सिंगल थिएटर्स बंद हो रहे हैं तो लोगों तक पहुँच नहीं पाएंगे वो सब चीज़ें, तो उनपे आप क्या कहना चाहते क्या जी? ये बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक, मानसिक और प्रोफेशनल की तरक्की के लिए वो पोइट्री और डांस, ड्रामा, आर्ट, जितना भी फॉर्म है उनको सीखें, और उसके लिए छोटे छोटे थिएटर्स हर शहर में होना और हर जगह होना ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज भी हम डिजिटल वर्ल्ड्स में हैं तो आज ये अभियान चला रहे हैं कि हम ड्रामा सोसाइटी बनाएं, पोइट्रिक सोसाइटी बनाएं, बिकॉज पोइट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अपलिफ्ट योर कैरेक्टर, योर होराइजन ऑफ थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ऑफ यूनिवर्स। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन मस्ट लर्न पोइट्री। इन फॉरेन कंट्रीज देयर आर मैनी पोइट्री स्कूल्स, देयर आर मैनी पोइट्री सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटीज, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसीलिए थिएटर्स भी होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए, कॉलेज में भी होनी चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए, पोइट्री का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आज गुलजार साहब ने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, और आज हमारे
کچی کلر کو اوپننگ کیا اس کا. نہیں یہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں یہ کہ فائن آرٹس اگر آپ شاعری کر رہے ہیں تو صرف شاعری نہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں لے کی بھی ضرورت ہے, کسی ردم کی بھی ضرورت ہے. تو زبان کے علاوہ آپ کو میوزک سے واقفیت ہوگی تو آسانی ہوگی, اور اس لے میں آپ صحیح میٹر پیدا کر سکتے ہیں. اور سارے فائن آرٹ جتنے ہیں وہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں. آپ کی امیجری میں پینٹنگ آتی ہے, پینٹنگ میں شاعرانہ خیال آتے ہیں, فوٹوگرافی آ جاتی ہے, اس میں میوزک کا ردم بھی آ جاتا ہے. تو ایسا فائن آرٹس کوئی الگ الگ فریگمنٹڈ کینوس نہیں ہے, اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر اوور لیپ کرتی ہیں. آپ کا جو بھی مین میڈیم ہے اس میڈیم میں کہیں نہ کہیں کویتا بھی آئے گی, کویتا کے ساتھ ساتھ کہیں پینٹنگ بھی آئے گی, اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں میوزک بھی آئے گا. سو از ان میوزک اینڈ سو از ان پینٹنگ. تو جتنا آپ جمع کریں گے, جتنا آپ کے اندر ہوگا اتنا ہی آپ کی اپج ہوگی, اتنے ہی آپ کی اپج کے کلرز ہوں گے جتنا کچھ آپ نے سیکھا. تو ایکوائر ایز مچ ایز یو کین, لرن ایز مچ ایز یو کین اینڈ اسٹور اٹ اینڈ اون اٹ. اس کو ڈیزالو کر کے آپ اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیجیے, وہ الگ رکھی ہوئی شیلف پہ رکھی ہوئی چیز نہیں, وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جانا چاہیے. اور آپ کا کہنا صحیح ہے کہ یہ سب سیکھنے کے لیے ایک جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے, جیسے تھیٹرز ہیں, ورک شاپس ہیں. تو اس طرح کی ورک شاپ اور تھیٹرز جو ہیں ہماری گورنمنٹ کو, ہماری سوسائٹی کو, کارپوریٹس کو یہ انکریج کرنے چاہیے کہ جتنی بھی ورک شاپس اور پلیسز ان کو دے سکیں بچوں کو, جہاں وہاں اکترت ہو کے وہ سیکھ سکیں, اس کو بڑھاوا دے سکیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے تھیٹرز کا ہونا بھی. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. تھینک یو. Let me know what you want to do.